हेलो अस्सलाम वालेकुम आई हैबाउट वाट इज फ्रॉम इट डॉट ऑल एंड व्हाट इज फ्राम डॉट ऑल सेटेड सो बेसिकली इज मिनिमम डिफरेंस बिटवीन दिस टू मेथड बट लेट्स सी व्हाट विल बी यूज एट व्हाट कंडीशन सो लेट्स सपोज मेरे पास एक, एक एक एरे है जिसके मेरे पास सैमेंटेनियसली ए का बंच जो मुझे चलाना है सही है अब मैंने जो है एरे एक फॉलोअप किया हुआ है ठीक है और फॉप के अंदर मैं मैं ए, ए पी आई चला रहा हूँ सही है सैट टाइम ऑड लगाया मैंने सिंपल और सेट टाइम आउट के अंदर जो है मैंने थ्री सेकंड का वेट है और थ्री सेकंड के अंदर हर ए पी आई कॉल हो रही है अब मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लगाई है रिजॉल्व और रिजेक्ट के लिए कि अगर इंडेक्स जो है वो टू होता है सही है तो इसको जो है इस ए पी आई को रिजेक्ट कर दो ताकि मेरे पास एक फेल की स्टेट आए और अगर इस ए, ये टू नहीं होता तो ये रिजॉल्व करते रहो ए पी आई उसके बाद मैंने डॉट ऑल का मैथड यूज़ किया उसके अंदर जो है वो एरे के अंदर तमाम ए पी आई एस को रखा ठीक है और उसके बाद मैंने जो है वो इस प्रोमिटॉट ऑल के मेथड मैंने एक बटन के ऊपर हिट किया और इसके बाद प्रॉमिस डॉट ऑल का बटन दबाता हूँ तो लेट्स सी हमारे पास कंसोल के ऊपर क्या रिस्पॉस आता है सो बेसिकली मेरे पास पहली ए पे रिजॉल्व हुई दूसरी रिजॉल्व हुई तीसरी रिजेक्ट हो गई फेल्ड जो कि और चौथी रिजॉल्व हुई लेकिन मेरे पास जब फेल्ड स्टेट आई है और कोई एर नहीं आया ऐसा ही है तो इसने जो मतलब हमारी जो टाइमिंग चल रही थी ए की जिसके अंदर जब है कंटिन्यूसली ए चल रही थी और कोई भी एक ए रिजेक्ट हुई तो उसने सारी ए को एज अ रिजेक्ट कंसिडर करके और उस लूप को ब्रेक करके हमें दिखा दे कि भाई ये ए पेयर रिजेक्ट हो गई तो मैं आपको रिस्पॉस नहीं दे सकती बाकी एप का इसके बारे अगर मैं इसको जो है वो फोर कर देता हूँ सिक्स कर देता हूँ मतलब ऑब्वियसली कंडीशन ना चले और बाकी ये सारी ए पेयर चले तो लेट्स सी क्या होता है मैं अगर यहाँ पर देता हूँ और प्रॉमिस डॉट ऑल करता हूँ तो लेट्स सी कि हमारे पास क्या रिस्पॉन्स आता है सो बेसिकली मेरे पास चारों का रिस्पॉस आ गया देखने ठीक है मतलब कोई भी ए पेयर ब्रेक नहीं हुई तो मेरे पास चारों का रिस्पॉन्स आ गया है और उसने कह रही के अंदर मुझे चारों के रिस्पॉन्स जो है वो प्रोवाइड कर दिए सही है ये होता है प्रोमिस डॉट ऑल जिसके अंदर मेरे पास एक भी ए पी आई रिजेक्ट होगी तो वो सारी ए पी आई का रिस्पॉन्स जो है वो हटा के मुझे जो है वो सिर्फ ये स्टेट देगा कि फेल हो गई आपकी कोई एक ए पी आई ठीक है इसके अलावा अगर मैं अपने प्रोमिस डॉट ऑल सेटल के अंदर जाता हूँ मैंने सेम कंडीशन लगाई हुई हैं जो ऊपर थी प्रोमिस डॉट ऑल के अंदर और मैं इसको चलाता हूँ तो मेरे तो क्या एरर आता है या क्या रिस्पॉन्स आता है सॉरी मैंने प्रोमिस डॉट ऑल मैं चलाता हूँ प्रोमिस डॉट सेटल्ड ठीक है तो इसके अंदर मेरे पास जो है वो अब देखें थर्ड एपीआई अगेन रिजेक्ट हुई है लेकिन इसने रिस्पांस स्टिल मुझे दिया है पहली दूसरी और चौथी का जिसकी के से जो है वो स्टेट मुझे बता दी कि रिजेक्ट हो गया स्टिल उसने रिस्पांस दिया बाकी ए का जैसे प्रॉमस डॉट ऑल के अंदर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था लेकिन यहाँ पर मेरे पास रिस्पॉन्स आ रहा है ठीक है अब अगर मैं जो है वो अपने कोर्ट के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ सिक्स जो कि वो कंडीशन नहीं चलेगी है और फिर मैं अपने प्रॉजन रुपया आगे इसको रिफ्रेश करके जो है वो प्रॉमिस डॉट सेटल चलाता हूँ हैं क्या एरर आता है या क्या कौड़ता है तो उसने मेरी सारी अपेयर्स को रिजॉल्व कर दिया और मुझे स्टेट के साथ जो है वो स्टेटस के साथ जो है वो अपने सारी अपेयर्स को रिस्पॉन्स कर दिया सो so... इस तरीके से आप जो प्रोमिस डॉट ऑल और प्रोमिस डॉट ऑल शेडल को यूज़ कर सकते हैं कि जिसके अंदर आपके पास एक डिपेंडेंसी होती है ए पी आई इसके अंदर कि पहली ई पे दूसरे का रिस्पॉन्ड दूसरे पर डिपेंड है दूसरी का तीसरी पे तो जिसके अंदर अगर एक भी ए पे ब्रेक हो जाती है तो आपको वेसली दूसरी तीसरी और चौथी ए पी एस नहीं चलानी तो उसके अंदर आप प्रोमिस डॉट ऑल यूज़ कर सकते हैं ताकि वो जो है वो बता सके कि कोई भी एक ए पे ब्रेक हो गई है और कुछ ए पी आईस के अंदर जिसके अंदर इंडिपेंडेंट चल होती है जैसे गेट यूजर्स हैं गेट मैनेजर्स हैं डिफरेंट वे में चल रही हैं जिनका कोई जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं है बीच में कोई इंटरकनेडेड नोड नहीं है तो आप जो उसके अंदर प्रोमिस डॉल सेटल यूज कर सकते हैं होप आपको वीडियो पसंद आया और कॉन्टेंट अच्छा लगा और सीखने को कुछ मिला हो तो लेट शेयर दिस वीडियो विद योर कु एंड जूनियर डेवलपर्स दे कैन लर्न फ्रॉम दिस वीडियो एंड माई अदर कॉन्टेंट सो इस उम्मीद के साथ कि अपना ख्याल रखेंगे मिलते अगली वीडियो में अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई टूब चैनल थैंक यू